देखिए टीई और टीएम मोड का मतलब क्या होता है। टीई मोड होता है, टीई की फुल फॉर्म होती है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, और टीएम के फुल फॉर्म होती है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। देखिए हम ये जानते हैं कि वेवगाइड क्या होता है। वेवगाइड एक ऐसी हॉलो मेटलिक ट्यूब होती है जिसे हम माइक्रोवेव के ट्रांसमिशन के लिए यूज में लेते हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सो किसी भी वेवगाइड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे इनफाइनाइट पैटर्न्स बनते हैं और उन पैटर्न्स को हम मोड कहते हैं। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीई और टीएम मोड की, दैट इज द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड्स हमें मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये फील्ड वेवगाइड के अंदर कुछ पैटर्न्स बनाते हैं जो कि सर्टेन फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं। साथ ही यह कहा जाता है कि कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करता है। सो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, और दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस पर हमेशा पैरेलल होता है, यानी कि सरफेस पे कंडक्टर की सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसी बेसिस पर वेवगाइड के लिए दो मोड्स डिफाइन किए जाते हैं। पहले मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के ट्रांसवर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, जिसको हम कहते हैं टीई मोड और टीई वेव। सो टीई मोड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसमें TE मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में हम बात करते हैं TM मोड की, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव की। तो यहाँ पर मेनली हमने दो मोड डिफाइन करे हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड मींस टीई मोड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और टीएम मोड में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा। सो हम ये है कहते हैं कि TE मोड यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन डायरेक्शन प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि वो तो कौन से मोड में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर मोड में। जिस भी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, सपोज अगर हमारी जेड डायरेक्शन में माइक्रोवेव या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, तो दो डायरेक्शन कौन सी बची, एक्स और वाई। सो एक्स और वाई का कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जेड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हम यह कहते हैं कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में हमेशा ई जेड की वैल्यू जीरो होगी अगर प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है तो, और लेकिन एच जेड का कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं टी एम मोड की, सो टीएम मोड में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि उसका कोई पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी पैरेलल कंपोनेंट मतलब डायरेक्शन के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन का पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, एच जेड। एच जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो मीन्स हम ये कहते हैं कि टीएम मोड में एच जेड कंपोनेंट जीरो होगा, लेकिन EZ की वैल्यू जीरो नहीं होगी। सो देखिए अभी हमने जो मेनली बात करी है वो इन मोड की बात करी है, TE मोड और TM मोड की। हमने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम X, Y और Z डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इनमें से Z डायरेक्शन
डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है, सो उस केस में TE मोड और TM मोड को हम किस प्रकार से डेजिग्नेट करते हैं उसके हम आगे बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो उसके तीन कॉम्पोनेंट होंगे EX, EY और EZ। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड H के भी तीन कॉम्पोनेंट होंगे HX, HY और HZ, जहां पर Z है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। सो अभी हमने डेफिनेशन में बताया है कि TE मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर डायरेक्शन प्रोपोगेशन की डायरेक्शन Z है तो E का हमेशा X और Y कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा, इसका EZ कंपोनेंट जीरो होगा। सो TE मोड के लिए हम कहते हैं EZ की वैल्यू जीरो होगी लेकिन HZ की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसी प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं TM मोड की, सो TM मोड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब देखिए, हमने TM मोड के डेफिनेशन में बताया है कि TM मोड में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के। सो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन अगर Z है तो HZ की वैल्यू जीरो होगी लेकिन HX और HY तो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि HX और HY क्योंकि इसके प्रोपोगेशन Z की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो ये तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन HZ एग्जिस्ट नहीं करता है। EX, EY और EZ तीनों एग्जिस्ट करती हैं। सो TE मोड की जब भी हम बात करेंगे तो TE मोड में हमेशा EZ कंपोनेंट जीरो होगा और TM मोड की जब हम बात करेंगे तो TM मोड में HZ कंपोनेंट जीरो होगा। और ये सभी जो फील्ड्स हमने फाइंड आउट करे हैं, इनके कंपोनेंट्स हैं, ये सभी मैक्सवेल के इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। आगे हम एक टाइप के और वेव की बात करते हैं, दैट इज TEM वेव। देखिए, TEM वेव में होता है EZ भी जीरो होता है, यानी कि देखिए TEM की फुल फॉर्म होती है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। सो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। अब हमने यह कहा है कि दोनों प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, सो इस केस में EZ भी जीरो होगा और HZ भी जीरो होगा। सो उस केस में जब हम इस मोड की बात करते हैं, उस केस में EX, EY और HX, HY भी जीरो हो जाते हैं। सो हम यह कहते हैं कि एक वेवगाइड में TEM मोड एग्जिस्ट नहीं करता है। सो एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई TEM मोड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ वेवगाइड। सो हम उस केस में यह एक्सप्लेनेशन देंगे। सो मेनली अभी हमने यहां पर बात करी है TM मोड की और TE मोड की। अब आगे हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड में वेव प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। वेव गाइड क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी। आज हम उस रेक्टेंगुलर वेव गाइड में वेव के प्रोपोगेशन को देखेंगे। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड का पार्ट हमने देखा है और इस वेवगाइड से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच किया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। साथ ही हमने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि जो जेड कोऑर्डिनेट है उसके अलोंग माइक्रोवेव का ट्रांसमिशन हो रहा है। सो हमने कहा कि इसकी जेड डायरेक्शन में माइक्रोवेव प्रोपोगेट हो रही है, सो जेड डायरेक्शन को हमने नाम दिया है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो इस वेव गाइड की जो ब्रेथ है वो ए है, विड्थ है बी है और इसकी लेंथ है जेड डायरेक्शन में, और यह वेव गाइड में, इस वेव गाइड में एयर फिल्ड है। सो हमने एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच किया है। एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी ब्रेथ है, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी विड्थ है और जेड डायरेक्शन के अलोंग माइक्रोवेव का प्रोपोगेशन है। और यहाँ पे जो वेव गाइड है उसमें एयर भरी हुई है और एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज में लिया गया है। सो अब हम आगे बात करते हैं TE और TM वेव के लिए वेव इक्वेशन की। देखिए, TE वेव में क्या होता है, EZ कंपोनेंट जीरो होगा और TM वेव में HZ कंपोनेंट जीरो होगा। सो अगर TE वेव की बात करें तो उसके लिए वेव इक्वेशन हम लिखते हैं डेल टू HZ बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन HZ
H is Z इसके multiple में नहीं है, H के subscript में है, that is the Z component of magnetic field, that is HZ. इसी प्रकार से del square of EZ will be minus of omega square mu epsilon EZ for TM mode. अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, क्योंकि हमने यहाँ पे वेवगाइड जो लिया है दैट इज रेक्टेंगुलर वेवगाइड. सो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज में लिया है. सो जो डेल ऑपरेटर है यहाँ पे हमने डेल स्क्वायर है इसको हमने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा डेल टू ई जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ई वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ई जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर. That will be minus omega square mu epsilon EZ. यहाँ पे क्योंकि हम यह consider कर रहे हैं कि जो wave है वो Z direction में propagate हो रही है, so उसमें case में हमने एक operator consider किया है, del 2 over del Z square को हमने माना है gamma square के equal. So इस वाले part को जब हम equation number 1 में put करते हैं, so उस case में हमें मिलता है del 2 EZ over del X square plus del 2 EZ over del Y square plus gamma square EZ that is equals to the minus omega square mu epsilon EZ. यहाँ पे अभी हमें EZ के component मिल रहे हैं उसको हमने common लिया, so उस case में हमें equation number 2 मिलती है. अब यहाँ पे हमने एक constant को introduce किया है that is gamma square plus omega square mu epsilon that is equals to the H square, ये एक constant है. इसको इस फॉर्म में लिखने पर हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलती है डेल टू ई जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ई जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ई जेड इज इक्वल्स टू द जीरो. ये हमने लिखा है टीएम मोड के लिए. इसी प्रकार से हम टीई वेव के लिए भी लिख सकते हैं जब हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो हमारी टीई वेव के लिए इक्वेशन है, जब हम इसके लैप्लेशन ऑपरेटर को खोलेंगे और जब हम इसके एच जेड कंपोनेंट को कॉमन लेके लिखेंगे, सो उस केस में हमें इक्वेशन मिलेगी टीई मोड के लिए. अब हमारा यहाँ पे मेन टारगेट क्या है, देखिए हमारा मेन टारगेट है हम यहाँ पर वेवगाइड में माइक्रोवेव का प्रपोगेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमने यह कहा है कि माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तीन कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के भी तीन कंपोनेंट, बट जब हम रेस्ट्रिक्ट होंगे टीएम वेव के लिए तो एच जेड जीरो हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मिला के पांच कंपोनेंट बचेंगे. ऐसा ही टीई मोड में होगा, पांच कंपोनेंट हमें मिलेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए टोटली. सो हमें यहाँ पे उन कॉम्पोनेंट्स को ही फाइंड आउट करना है. कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज में ली है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू द जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी. अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया है दैट इज ई इज इक्वल टू द ई नॉट ई रेज टू द पावर जे ओमेगा टी. जब हमने इसको डिफरेंशिएशन किया, डी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज अ एप्सिलॉन ई. सो हमने यहाँ से डी को एप्सिलॉन ई के फॉर्म में रखा, साथ ही हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारा चार्ज फ्री रीजन है. सो उस केस में हमारे हमने यहाँ पे इसको जीरो लिया. सो डेल क्रॉस एच हमें मिलता है, यहाँ से हमने डेल डी ओवर डेल टी की वैल्यू को पुट करा एप्सिलॉन ई के टर्म में, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई. सो डेल क्रॉस एच की हमें वैल्यू मिलती है जे ओमेगा एप्सिलॉन ई. डेल क्रॉस एच दैट इज द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो हमने यहाँ पे इसको कर्ल के फॉर्म में ओपन किया, आई जे के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एच एक्स एच वाई एच जेड दैट इज जे ओमेगा एप्सिलॉन E को लिखा i cap ex plus j cap ey plus k cap ez. यहाँ पे हमने क्योंकि कहा है z direction है propagation की, so del over del z को हमने replace किया है minus gamma से, जो कि एक operator है, so हमने यहाँ पे इसको replace किया minus gamma से. और जब हमने इस matrix को खोला और open करने पे हमें इस equation मिलती है. इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइडेड में आई कैप जे कैप और के कैप के कॉम्पोनेंट्स हैं. जब हम इन कॉम्पोनेंट्स को कंपेयर करते हैं, जब हम इन कॉम्पोनेंट के कोफिशियंट्स को इक्वेट करते हैं, तो हमें इक्वेशन 5, 6 और 7 मिलता है. देखिए आई कैप का कॉम्पोनेंट को इक्वेट किया तो डेल एच जेड ओवर डेल वाई प्लस गामा एच वाई, यहाँ से हमें मिलेगा जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स. सिमिलरली जब हमने जे कैप के कॉम्पोनेंट को इक्वेट किया, सो डेल एच जेड ओवर डेल एक्स प्लस गामा एच एक्स बराबर जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई. यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन लिखा है. इसी प्रकार
प्रकार से के कैप के कंपोनेंट को इक्वेट करने पे हमें इक्वेशन नंबर 7 मिला है। ये तीन इक्वेशंस हमें मिली है जब हमने यूज में ली थी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। आगे हम बात करते हैं मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन। मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी ओवर डेल टी। यहां से हमने बी को एच के फॉर्म में लिखा, बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एच, यहां से हमने इसको म्यू एच के फॉर्म में लिखा। सो हमें मिलता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू द माइनस जे ओमेगा म्यू एच। अगेन हमने इसके कर्ल को ओपन किया, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल को ओपन किया और इसको सॉल्व करने पे अगेन आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट को इक्वेट किया। लाइक इस केस में आई कैप का कंपोनेंट है डेल ई जेड ओवर डेल वाई प्लस गामा ए वाई, यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट है माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स। सिमिलरली जे कैप के कंपोनेंट को जब हमने इक्वेट किया मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें मिलता है डेल ई जेड ओवर डेल एक्स प्लस गामा ए एक्स बराबर जे ओमेगा म्यू एच वाई। इसी प्रकार से हमने के कैप के कंपोनेंट को भी इक्वेट किया। सो अब हम यहाँ पे मैंने बताया था हमें जब भी बात कर रहे हैं हम प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन अ वेव गाइड, सो उस केस में हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट चाहिए, चाहे वो टीई मोड हो या टीएम मोड हो, हमें 5 कंपोनेंट फाइंड आउट करने होते हैं। सो अब हम उन्हीं कंपोनेंट को एच जेड और ई जेड के फॉर्म में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, हमारे पास में तीन इक्वेशन तो ई एक्स के लिए आई है इधर से, एच एक्स एच वाई और एच जेड के लिए आई है तीन इक्वेशन 8, 9 और 10, और ऐसे ही हमारे पास में तीन इक्वेशन आई है ई एक्स ई वाई और एच जेड के लिए इक्वेशन 5, 6, 7 से। सो देखिए जब भी मुझे अगर मुझे ई एक्स निकालना है, सो देखिए ई एक्स निकालने के लिए मैं इतना याद रखिएगा यहाँ पे, जब भी मुझे ई एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन में जो गामा से मल्टीप्लाइड टर्म है, गामा से मल्टीप्लाइड टर्म क्या है एच वाई, सो मैं इसमें एच वाई की वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे ई एक्स मिलेगा। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा सीधा इतना ही ट्रिक अपनाएंगे कि जो टर्म गामा से मल्टीप्लाइड है यानी कि एच वाई की वैल्यू मेरे पास जो इक्वेशन आई है आगे 8, 9, 10 वहां से मैं इसमें पुट करूंगी तो मुझे ई एक्स मिलेगा। सो देखिए हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 9 है, यहां से हमने एच वाई निकाला, एच वाई की वैल्यू आई दैट इज 1/jωμ डेल ई जेड ओवर डेल एक्स प्लस गामा अपॉन जे ओमेगा म्यू ई एक्स। यहां से जो एच वाई की वैल्यू आई है, इस एच वाई की वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, सो हमें इस केस में ई एक्स की वैल्यू मिलेगी। सो देखिए हमने ई एक्स की वैल्यू, ई एक्स यहां से हमने एच वाई की वैल्यू निकाल ली और हमने इक्वेशन नंबर 5 में रखा। अब देखिए यहाँ पे ई एक्स कॉम्पोनेंट हमें मिल रहा है, यहाँ पर ई एक्स मिल रहा है, जब हम इनको कॉमन लेंगे तो हमें ये टर्म मिली। अब यहाँ से जे ओमेगा म्यू डिनोमिनेटर में है, इसको हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, जे ओमेगा म्यू से मल्टीप्लाई किया, जे स्क्वायर मिलता है, जे स्क्वायर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू द आयोटा, सो जे स्क्वायर हो जाता है हमारा आयोटा स्क्वायर के बराबर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो जे स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे रखा -1। इस प्रकार से हमने इसको जब सॉल्व किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया और गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है एच स्क्वायर के, ये हमने कंसीडर किया था, ये हमारा एच स्क्वायर आता है। तो जब हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें ई एक्स की वैल्यू मिलती है। सो मैंने अभी आपको बताया था हमारा पर्पज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स को फाइंड आउट करना। सो हमें ई एक्स की वैल्यू मिल गई। अब ई एक्स की वैल्यू अगर हम टी एम मोड में बात करेंगे तो टी एम मोड में एच जेड तो जीरो हो जाएगा लेकिन ई जेड जीरो नहीं होता, तो ई जेड की वैल्यू हमें पता होगी, वहां से हम उसका ई एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे। और अगर हम टी ई मोड की बात करेंगे तो टी ई मोड में ई जेड की वैल्यू जीरो होगी और एच जेड हमें पता होगा, सो एच जेड की वैल्यू यहाँ पुट करके हम ई एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो अभी हमने ई एक्स निकाला है, मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया है। इसी प्रकार से जब हमें ई वाई निकालना है, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उस केस में देखिए हम क्या करेंगे, जब हमें ई वाई फाइंड आउट करना होगा तो ये देखिए ई वाई है, हम इक्वेशन नंबर 6 में हमें क्या वैल्यू पुट करनी होगी एच एक्स की, तो एच एक्स की वैल्यू हम कहां से लेंगे, एच एक्स की वैल्यू हम लेंगे यहां से इक्वेशन नंबर 8 से।
तो इक्वेशन नंबर 8 से hx की वैल्यू हम निकाल लेंगे और hx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से निकाल के हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में, रीअरेंज करेंगे तो हमें ey मिल जाएगा। सिमिलरली जब हमें ez निकालना होगा और आगे अगर हमें hx निकालना है तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब हमें hx निकालना होगा तो ey की वैल्यू, तो उस केस में हम यहां से ey की वैल्यू ले लेंगे, यहां से ey की वैल्यू लेंगे इक्वेशन नंबर 6 से और उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें hx मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने चारों कंपोनेंट्स को फाइंड आउट किया है। देखिए मैंने लिखा है सिमिलरली ex, ey, hx और hy। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक जनरल रिलेशनशिप मिलती है फील्ड कंपोनेंट्स के लिए विद इन अ वेव गाइड। सो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे बात करी है प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड और उस वेवगाइड के लिए हमने चार कंपोनेंट निकाले हैं ex, ey, hx और hy। मैंने बताया था हमें टोटली फाइव कंपोनेंट चाहिए, तो ez या hz जो भी नॉन जीरो वैल्यू होगी वो हमें पता होगी और उन वैल्यूज से, उन नॉन वैल्यूज से हम ex, ey, hx और hy की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।